गुड मॉर्निंग एवरीबडी एंड ऑल ऑफ यू आर वेलकम एट माई यूट्यूब चैनल स्टार्ट इंग्लिश। मैं इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर पार्ट को वन बाय वन आपसे डिस्कस करूँगा एंड आई होप दीज लेसन्स विल हेल्प यू अलॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ समय बाद आयोजित होने वाली परीक्षा रीट के इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड सिलेबस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगा। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉट ओनली फॉर रीट एग्जाम बट ऑल्सो फॉर सीनियर टीचर इंग्लिश एग्जाम, फॉर स्कूल लेक्चरर इंग्लिश एग्जाम एंड फॉर रीडिंग डिक्शनरी प्रॉपरली। एज इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, सो प्रोनंसिएशन ऑफ मोस्ट वर्ड इज नॉट करेक्ट। वी कैन चेक आवर प्रोनंसिएशन थ्रू दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक विल क्रिएट इंटरेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंटरेस्ट कैन मेक एनीथिंग वेरी ईजी। सो हमें किसी भी टॉपिक को इसलिए नहीं पढ़ना कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, बल्कि स्टार्ट टू लर्न इंटरेस्टिंगली एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड वन डे। कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन अवश्य मिल जाती है इफ़ वी कैरी ऑन आवर स्ट्रगल इंटरेस्टिंगली। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट साउंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ मैनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मैनी प्रीवियस एग्जामिनेशन। According to IPA, there are 45 sounds in English language. IPA stands for International Phonetic Association. And IPA also stands for International Phonetic Alphabet. According to IPA, there are 45 sounds. But according to RP, there are 44 sounds in English language. Term RP was coined by a famous British phonetician, Daniel Johns. Daniel Johns coined this term. And RP stands for Received Pronunciation. Received pronunciation. And this pronunciation is educated South Eastern British accent. This accent is known in English as received pronunciation, and some other names: BBC English, King's English, Queen's English,
पब्लिक स्कूल इंग्लिश ऑक्सफोर्ड इंग्लिश आर सम अदर नेम्स यूज्ड फॉर रिसीव्ड प्रोनंसिएशन. वी विल डिस्कस 44 साउंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू आरपी. अकॉर्डिंग टू आरपी टोटल 44 साउंड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, वोवल साउंड्स एंड कंसोनेंट साउंड. आउट ऑफ दीज 44 साउंड्स 20 आर वोवल साउंड्स एंड 24 आर कंसोनेंट साउंड. डिफरेंस बिटवीन वोवल एंड कंसोनेंट साउंड. साउंड दैट आर प्रोड्यूस्ड विद ए फ्रिक्शन आर नोन एज कंसोनेंट साउंड एंड साउंड्स प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी फ्रिक्शन आर वोवल साउंड. इन मैनी एग्जामिनेशंस दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क दैट वोवल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी फ्रिक्शन. बिना किसी टकराट के जो साउंड पैदा होती है उसे हम स्वर ध्वनि कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिडल साउंड इन द वर्ड सीट ई एंड व्हेन वी प्रोनाउंस द वर्ड प देन देर इज ए फ्रिक्शन. आवर लिप्स आर क्लोज एंड एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट आवर लिप्स देन एन एक्सप्लोसिव साउंड इज क्रिएटेड दैट इज नोन एज प. एंड ऑल साउंड्स क्रिएटेड विद ए फ्रिक्शन आर नोन एज कॉन्सोनेंट साउंड. इन इंग्लिश देर आर ओनली 26 लेटर. टोटल लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर 26. आउट ऑफ दीज 26 लेटर्स 5 आर वोवल्स एंड 21 आर कंसोनेंट्स. दीज 26 लेटर्स बट 44 साउंड. सो इंग्लिश इज नॉट ए फोनेटिक लैंग्वेज लाइक हिंदी. In English, each letter has more than one sound. Now we shall discuss 44 consonant sounds of English language. First sound is P. Sounds are always written between slant lines. P. For example, in the word place, b. For example, in the word book, initial sound in the word book. Both sounds are pronounced from the same place, p, b. T, d. T, for example, in the word 10. D, for example, in the word did. Both are from same group, T, D. K, for example, in the word come. G, for example, in the word gun. Both from same group, K and G. Original symbol used for K sound was like this. But now this symbol is used in most dictionaries of English language. Next sound is Ch. Originally, this symbol was
like this, but now this symbol is adopted in mostly dictionaries. So for example, in the word church, the, for example, in the word judge, both are from same group, ch, j. For example, in the group, in the word foot, v. For example, in the word when, f and v. Th, symbol theta is used for th sound. For example, initial sound in the word thin. Next sound is the. For example, initial sound in the word this. Both are from same group, th, the. Next sound is s. For example, in the word sit, initial sound sit. Z, humming sound of z, mostly created with the letter z. Z, s, z, sh, mostly created with the letters sh. Initial sound in the word ship. Suppressing and humming sound of sh. For example, middle consonant sound in the word vision. Both are from same group, sh, sh. Free sound is h. For example, in the word hit, initial sound in the word hit is h. Ma, na, and ang, these are three nasal sound in English. Ma, na, and ang. Nasal sound are spoken through nasal cavity, and other oral consonant are spoken through oral cavity. When our nasal cavity is blocked, then oral sounds are produced, and when our oral cavity is blocked, and nasal sounds are produced. For example, initial sound in the word man. Na, for example, initial sound in the word nouns. Ang, for example, in the word king. These are three nasal sounds. In English, there is no nasalized sound. Next sound is L. For example, in the word let, initial sound L. R, for example, in the word roads, roads. V, for example, in the word watch,
initial sound of the watch, and this wo sound is created mostly with W letter. Last consonant sound is ya. For example, in the word yes. These are 24 consonant sounds of English language according to RP, and we should learn these consonant sound symbol in the same sequence so that we can learn classifications of these sounds very easily. Pa, ba, ta, da, ka, ga, cha, ja, fa, va, tha, da, sa, ja, sha, sha, ha, ma, na, nga, la, ra, va, and ya. In English, there are no special aspirated sounds like Hindi. In Hindi, alpapran dhvani ka ke baad mahapran dhvani kha use hoti hai. But in English, only three consonant symbols are aspirated when they occur in the initial part of any word. These three symbol consonant symbols are ka, pa, and ta. Sound ka, for example, in the word come, we pronounce this ka sound like kha. Come, come on. Pa, for example, in the word pen. Ta, in aspirated form, is pronounced like ta, ten. Come, pen, ten. These three symbols are aspirated when they occur in initial part of any word. But we don't use any special symbol for these aspirated sounds. We use same symbol as are for used for simple ka, pa, and ta. These are 24 consonant sounds in English language. First of all, you should learn these 24 sound symbols in the same sequence, and we shall discuss in next lesson about vowel sounds of English language and phonetic transcription. And I hope you will like this video, and if you like this video, please share and subscribe my channel for my motivational spot. That's all. Thanks.